उत्तर प्रदेश के मत्स्य विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में मत्स्य विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि मत्स्य विभाग ने 100 दिनों के निर्धारित लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया है और प्रदेश में मत्स्य विकास हेतु पर्याप्त जल संसाधन की उपलब्धता है, जिसका उपभोग कर मत्स्य विभाग के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ इस कार्यक्रम में परंपरागत रूप से जुड़े व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश सक्रिय है। प्रदेश में 2020-21 में मत्स्य उत्पादन का स्तर 7.46 लाख मीट्रिक टन रहा, जो लैंडलॉक प्रदेशों के प्रथम स्थान तथा अंतरस्थलीय प्रदेशों में तीसरा स्थान है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश का मत्स्य उत्पादन स्तर 8.09 लाख मीट्रिक टन रहा। पहले तो हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन जब बढ़ाते हैं तो उससे रोजगार बढ़ रहा है। रोजगार के साधन हमारे यहाँ सबसे आसान है रोजगार करने का, कि जीरो से शुरू करके हीरो बन सकता हो, उसकी सोच है, उसको हम फ्री का शिक्षण प्रशिक्षण देते हैं, उसे हम शिक्षण प्रशिक्षण जिले से लेकर हम दूसरे प्रदेश तक का हमारे यहाँ तय है कि वो जब आएगा, बढ़ता जाएगा, बड़ा काम करेगा, उसे बड़ी प्रशिक्षण करने का काम करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें आया कि रोजगार के साधन है और दूसरा प्रोटीन युक्त हमारे भोजन है। माननीय प्रधानमंत्री की एक सोच से ब्लू रेजोल्यूशन उन्होंने लगाए नीली क्रांति, कि जब ताल नदी या नाले या पोखरे जब जिंदा थे सब, तो उसमें प्रोटीन युक्त भोजन जो करते थे तो स्वस्थ शरीर होता था, स्वस्थ मस्तिष्क विकास होता था, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का बना। उन्होंने एक अभियान के तहत कहा कि जितने तालाब है उसे खोदे जाए, उसमें पालन किए जाए। उन्होंने एक अमृत सरोवर का स्वरूप दिया है, उसका एक टारगेट रखा और जाकर हम लोगों ने अभी पोखरों की संख्या में ली, हम लोगों ने जलाशय को बढ़ाने का काम किया है और अधिक जितना भी हमारा क्षेत्र था उसके लिए उससे अधिक क्षेत्र हम लोगों ने काम किया। उसमें हम लोगों ने 750 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित था हमारा, लेकिन उसमें 1076 हेक्टेयर हम लोगों ने किया है। मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालकों के उत्थान हेतु राज्य सेक्टर की नई योजना के रूप में लागू किया गया है। योजना में नाव एवं जाल की इकाई लागत रुपए 0.67 लाख पर 4% अनुदान ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले मछुआ समुदाय के ग्राम सभा के तालाबों के पट्टा धारकों मछुआरों को नाव जाल क्रय हेतु आर्थिक सहायता के रूप में दे है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।